सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इन्फिनिक्स की तरफ से एक नया फोन देखने को सामने आ गया जो कि है इन्फिनिक्स नोट 5 स्टाइलस। अगर इसकी अभी तक आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और बात करते हैं इस मोबाइल की, तो इस वीडियो में हम इस मोबाइल का रिव्यू देने वाले हैं, यानी कि इन्फिनिक्स नोट 5 स्टाइलस, इसको आप इन्फिनिक्स नोट 5 प्रो भी कह सकते हैं, बट कंपनी ने इन्फिनिक्स नोट 5 स्टाइलस के नाम से लॉन्च किया है। तो चलिए आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एहसान और आप देख रहे हैं डेली ट्यूटोरियल्स। चूंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 5 स्टाइलस की, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके मेन फीचर से जो कि है इसका एक्सपेन। तो इसका एक्सपेन जो है काफी अच्छा है, काफी अच्छा वर्क करता है, मैं इसको यूज करके देख चुका हूं, तो इससे आप कर क्या सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आप एक्सपेन की मदद से आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप मेमोज लिख सकते हैं, फाइल्स व्यू कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और साथ में पेंटिंग्स कर सकते हैं। तो ये इन्फिनिक्स का एक्सपेन 2.0 वर्जन है। इससे पहले एक्सपेन उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो ये इसका इंप्रूव्ड वर्जन है और ये काफी अच्छा काम करता है पुराने की निस्बत। अब जो सेकंड मेन फीचर है इसका, वो है इसका स्क्रीन डिस्प्ले। इसमें आपको 18:9:6 फुल HD इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। यानी कि आप इस पे गेम्स खेल सकते हैं बआसानी, आप मूवीज देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो अगर आपने देखना है तो आप इस मोबाइल को परचेज कर सकते हैं। अब सबसे मेजर कंसर्न वो होता है कैमरे का, क्योंकि कैमरे की मदद से मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अगर इस मोबाइल फोन का कैमरा अच्छा नहीं होगा तो आप भी परचेज नहीं करेंगे। बट मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलेगा। अब बैक कैमरा जो है वो आपको 1.8 अपर्चर के साथ देखने को मिलेगा और इसमें AI मोड्स हैं, यानी कि इसमें गूगल लेंस यूज किया हुआ, क्योंकि ये एंड्रॉइड 1 के साथ आया है, तो इसमें आपका जो कैमरा का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 1.8 अपर्चर के साथ अगर आप पिक्चर्स लेते हैं तो पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। चूंकि इसका फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल, अगर आपकी सेल्फीज अच्छी ना है तो तब भी कोई फायदा नहीं होता, मगर चूंकि 16 मेगापिक्सल है रेजोल्यूशन अच्छी मिली है, मगर इसका भी अपर्चर f2.0 है, जिससे आप काफी ब्राइट इमेजेस ले सकते हैं और साथ में ये लो लाइट इमेजेस के लिए भी बहुत बेहतर वर्क करता है। अब इमेजेस की तो बात होगी, हम इमेजेस कितनी देर के लिए ले सकते हैं यार, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो कंसर्न होता है बैटरी का। तो इसमें आपको 400 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी कैपेसिटी है। ये 2 डे बैटरी लाइफ है इसकी, अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, अगर आप हैवी यूज करते हैं तो एक दिन इजीली निकालता है। और चार्जिंग के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्विक चार्ज 2.0 की सपोर्ट मिलती है, तो अपना मोबाइल इजीली चार्ज कर सकते हैं। अब चार्जिंग मेन कंसर्न है, तो डिपेंड करता है यार, क्विक चार्ज तो है बट ये कितनी जल्दी चार्ज करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास स्क्रीनशॉट और ये मैंने नोट किया हुआ था, 4% बैटरी थी 525 पे और 95% जब हुई तब 705 थे, यानी कि आप कह सकते हैं तकरीबन 90% बैटरी जो है ये इसने चार्ज की है। कितनी देर में आप नीचे कमेंट करें, आई थिंक सो 1 hour and 20 minutes इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और जहां तक इसकी बॉडी की बात करते हैं, तो इसमें आपको फुल मेटेलिक बॉडी देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जो इन्फिनिक्स नोट 5 आया था उसमें आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिली थी ग्लास फिनिश के साथ, बट इसमें आपको मेटल बॉडी देखने को मिलती है और ये कंप्लीट मेटल है, यानी कि जो इसके एजेस हैं वो प्लास्टिक के, ये कंप्लीट मेटल की आपको इसकी बॉडी देखने को मिलेगी। अब इसके प्रोसेसर की मेमोरी की बात करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन और बताना चाहता हूं। अगर हम नीचे देखें तो हमें सिंगल ग्रिल देखने को मिलती है एज अ स्पीकर, साथ में हमें USB 2.0 चार्जिंग स्लॉट मिलती है, साथ में हेडफोन जैक है, और इसकी लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगा मेमोरी कार्ड स्लॉट और साथ में आपको सिम कार्ड स्लॉट, और जो इसकी राइट साइड है वहां पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम की रॉकर्स देखने को मिल जाएंगे। बैक पे आपको सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा और साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर, और ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफी अच्छा वर्क करता है और आप अपना मोबाइल इजिली क्विकली अनलॉक कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके हार्डवेयर की तरफ। तो इसमें आपको
हिलियो P23 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अब आप लोगों को कंसर्न होगा क्या इस पे हम गेमिंग कर सकते हैं, तो जी मेरा आंसर है यस। उसकी रीजन ये कि इस पे पबजी खेली जा रही है, जब से ये फोन आया है डेली इस पे पबजी खेली जा रही है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ, अगर मैं आपको दिखा सकूं। अभी आप देख सकते हैं कि इस पे पबजी खेली गई थी 4 hours और 5 minutes और 41% सिर्फ बैटरी डिस्चार्ज हुई, यानी कि इतनी हैवी गेम फुल ग्राफिक्स के साथ खेली गई और 41% सिर्फ बैटरी यूज हुई है 4 घंटों में, यानी कि हर घंटे में सिर्फ 10% बैटरी चार्ज होती है। यानी अगर आप कंजेक्टिवली खेले तो आप 10 घंटे तक पबजी खेल सकते हैं यार, और आपको क्या चाहिए, गेमिंग लवर है, पबजी चल रही है, और क्या चाहिए आपको एक फोन से। अगर और भी कुछ चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो चीज इस पे वर्क करती है या नहीं। अब प्रोसेसर की बात होगी, अब इसकी स्टोरेज की बात करते हैं, तो मेरे पास आया है 64GB वर्जन और साथ में आपको 4GB रैम देखने को मिलती है। सो आप जितनी मर्जी एप्लीकेशंस खोलें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और साथ में आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलती है, और आप चाहें तो मेमोरी कार्ड डाल के इसकी स्टोरेज जो है वो जितनी एक्सपेंड करने चाहें कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, वो है इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर। इसमें XOS और XUI आपको देखने को नहीं मिलती, जो कि इन्फिनिक्स के अपने सॉफ्टवेयर थे। इसमें आपको एंड्रॉइड 1 देखने को मिलता है, तो वो लोग जिन्हें नहीं पता एंड्रॉइड 1 क्या होता है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एंड्रॉइड 1 एक्चुअली एंड्रॉइड है एट इट्स बेस्ट कैपेसिटी, यानी कि प्लेन आपको एंड्रॉइड ही देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर इस मोबाइल को डिस्कस करें। अगर आपका क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, और क्या आप चाहते हैं कि इस मोबाइल का गिव अवे होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, क्योंकि चैनल की ग्रोथ जरूरी है तो वीडियो भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो उम्मीद है कि शायद हम गिव अवे कर दें इस मोबाइल को। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो देखने का शुक्रिया, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।